हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल एडू जैम लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपके जो ICAI CA CPT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में अपडेट आ गई है। आपके जो ICAI CA CPT टेस्ट 2018 के रिजल्ट जल्द जारी होंगे ICAI.org पे। ICAI CA CPT टेस्ट नवंबर 2018 का रिजल्ट जल्द जारी करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी के तीसरे सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट जो है CA और CPT टेस्ट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI नवंबर 2018 में हुए CA CPT के रिजल्ट जल्द घोषित कर देंगे। रिपोर्ट के अनुसार आपके जो रिजल्ट हैं ICAI.org पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। जिन भी कैंडिडेट्स ने इसका एग्जाम दिया है वो अपने रिजल्ट जल्द ही चेक कर पाएंगे। सूत्रों के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार जनवरी के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की डेट का खुलासा हुआ है। हाथ ही के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकते हैं, मतलब सेकेंड या थर्ड वीक में। आपके जो अभी सेकेंड वीक चल रहा है तो आपके जल्द ही आपके रिजल्ट अवेलेबल हो जाएं। ये इस परीक्षा में CA बनने की चाहत रखने वाले हजारों परीक्षार्थियों ने टेस्ट दिया था। नवंबर टेस्ट के रिजल्ट से इतना ही ICICI ने भविष्य में आयोजित होने वाली CA CPT परीक्षाओं में भी बदलाव किया है। ठीक है, तो जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। ICAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मई 2019 से CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल की परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब मल्टीपल चॉइस मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट अभी CA CPT की तैयारी कर रहे हैं वे अपने सिलेबस और तैयारी में बदलाव कर लें। नोटिफिकेशन के अनुसार CA की परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव इसी सेशन से लागू होंगे। मतलब कि 2019 से आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, तो जो भी कैंडिडेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप जो अपना चेंज कर लें कि किस तरह से आपको अपने आंसर, मतलब इसमें जो जो करेक्ट आंसर से आप ऐसे किया नहीं है कि अपन डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो फाइनल वाले पेपर हैं उसमें भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी की मदद के लिए एक वर्चुअल ICAI पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स ऑनलाइन CA का फॉर्म भर सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए प्रतिभागी अपना ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। बताते चले कि CA CPT की परीक्षा तैयारी हर साल हजारों स्टूडेंट्स करते हैं। CA CPT टेस्ट के स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स को भारत के CA संस्थानों में नामांकन मतलब जॉब मिलती है। तो CA की जो CPT का जो रिजल्ट है ICAI CA CPT का रिजल्ट, वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, ICAI.org पे जाना है। वहाँ पे आपको रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको डायरेक्टली रोल नंबर और अपना पिन नंबर डालना है, या फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और एक कैप्चा होगा वहाँ पे, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे जो है अवेलेबल, जिस तरह से आएगा आपके पास एक स्क्रीन जो आपको कैप्चा फिलअप करना है और अपना रिजल्ट चेक करना है। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभी जिसने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो रिजल्ट जल्दी जारी होने वाला है, और जो स्टूडेंट्स अब अपीयर होंगे उनके लिए कुछ नए चेंजेस जो है आयोग ने करवा दिए हैं। तो अब जो एग्ज़ाम है आपका, उसकी हेल्प के लिए भी उन्होंने एक वर्चुअल पोर्टल बनाया है, और उसके अलावा आपके क्वेश्चन जो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया इतने सालों बाद में ICAI ने। तो ये चेंजेज अब अपन को 2019 के जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं उससे ही शुरू हो जाएगा, ये जो भी इनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप चेक कर लीजिए ICAI.org पे जाके, इसका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, तो वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचा देंगे। आज की इस वीडियो का यही था टारगेट कि आपको जो भी अपडेट्स आए हैं वो आप तक पहुंचाना। ठीक है, जो भी इंतजार कर रहे हैं अब उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने रिजल्ट के लिए। तो आपके जो आने वाला रिजल्ट है उसके लिए ऑल द बेस्ट, और एडू जम्प लाइव क्लास ऐसी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।